हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश फ्रेश। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट सब्जी। फ्रेश, जब घर में आपको कोई भी सब्जी समझ में ना आ रही हो कि क्या बनाएं, तो आप इस स्वादिष्ट सब्जी को बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेश, ये खासकर चावल के साथ खाने में तो और भी चटपटा लगता है। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, सबसे पहले मैं आपको उसको दिखाती हूँ। दो भुजिया नमकीन, हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी भुजिया नमकीन की सब्जी है। प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, एक लाल मिर्च, तेजपत्ता, मैगी मसाला, मार्केट का मैगी मसाला लिया है, 50 ग्राम तेल, आधा चम्मच लाल देगी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी इन चारों चीज़ों को काट लूँगी। दो चम्मच तेल, प्याज, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, तेजपत्ता, उन सबको गोल्डन ब्राउन भून लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये भुजिया नमकीन की सब्जी खाने में बहुत ही चटपटी, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप टमाटर नमक स्वादानुसार, लाल देगी मिर्च, मैगी मसाला, हमें इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। एक ग्लास पानी डालते हैं। हमारा रस जब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें अपना नमकीन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा रस गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें अपनी नमकीन ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। एक मिनट मिलाने के बाद हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी नमकीन की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। धनिया पत्ती डाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ये स्वादिष्ट भुजिया नमकीन की सब्जी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ फ्रेंड्स, हमने अब ब्लॉग भी लिखना शुरू कर दिया है। ब्लॉग की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मसाला नूडल्स रेसिपी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।